सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्माकर्णी। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला अपना क्लास। पिछली बार हमने सारे गवर्नर आपको करा दिए हैं, रिवीजन आपका संडे में चलता ही है लगातार, सही है। तो आज हम लोग बात करेंगे नारे लगाने की, किस किस में नारे उस टाइम पर चले थे और कौन कौन से प्रसिद्ध रहे थे, उनके इतिहास के बारे में, है ना। और उसके बाद हमारे दो तीन जो महान व्यक्ति रह जाते हैं, जैसे गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा दिया है आप लोगों को, ऐसे सुभाष चंद्र बोस हो गए हमारे, उनका भी एक करेक्टर पढ़ाना होगा हमें, ठीक है। और बाकी विजयनगर वगैरह हमारा छूटा हुआ है, उन्हें कराने के बाद आपकी हिस्ट्री है वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम नया सब्जेक्ट लेंगे, वो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा नारे देखते हैं आज। आधुनिक इतिहास में जो नारे लगाए गए थे अंग्रेज़ों के लिए या आंदोलन को तेज़ी प्राप्त करने के लिए, आंदोलनकारियों को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, तो हम उन नारों की बात करेंगे, सही है। मोटिवेशन आ जाता था उससे, तो कौन सा नारा किसने दिया था और कौन सी सिचुएशन पे दिया था या कौन सी घटना थी जिस पर ये नारा दिया गया था, ठीक है। तो पहला नारा आपका आता है आराम हराम है। आप लोग साथ में बताते चले होंगे कि किसने दिया है ये, आराम हराम है ये नारा किसने दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये नारा किसने दिया था तो आप बताइएगा ये नारा दिया किसने कि आराम हराम है, किसने ये नारा दिया था, ये नारा किसने दिया था आराम हराम है, आप लोग बता सकते हो साथ में। कोई भी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने आप बताओ। आराम हराम है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जवाहर लाल नेहरू ने दिया था, पीटी नेहरू ने दिया था। इनका इसको देने का ये उद्देश्य था, उन्होंने कहा था कि जो आज़ादी है या जो अंग्रेज हैं उनके चंगुल से अगर हमें मुक्त होना है तो बिल्कुल भी बेटा क्या करना है, हमें आराम नहीं करना है, और जो आज़ादी है वो कठिन परिश्रम के द्वारा ही प्राप्त होगी। ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आराम हराम है वो नारा किसने दिया तो आप किसे बताओगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं है, इनका कहने का मतलब क्या था, इस नारा देने का मतलब क्या था, उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज हैं वो बिना कठिन परिश्रम के हम अंग्रेजों से चंगुल से मुक्त नहीं हो सकते। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम किया उसके बाद वो क्या हो गए, आज़ाद हो गए, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि आराम हराम का नारा किसने दिया था, नहीं वो तो हम आपको ओरल बता रहे हैं ना, आपको कैसे याद रहेगा, करेक्ट नहीं करोगे तो। जो चीज़ आपको लगे कि हमें याद, मतलब इम्पोर्टेंट है वो अपने नोट कर लेना, वरना नारा मैन चीज़ होती है, सही है। दूसरा बेटा आता है आपका, हाँ आराम हराम, भारत छोड़ो, सबको याद होगा ये, भारत छोड़ो। अगर आपसे पूछेगा कि भारत छोड़ो नारा किसने दिया, अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको सबको पता होगा भारत छोड़ो, तो ये बेटा महात्मा गांधी ने दिया था, जिनकी अभी अभी जयंती गुजरी है, आपको पता है जब 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे तो उसी के उपलक्ष्य में हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। 2023 का 17वां प्रवासी दिवस था जो इंदौर में मनाया गया था, और ये प्रत्येक 2 वर्ष के एक बार मनाया जाता है, कितने बेटा 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इस बार 27 लोगों को पुरस्कृत किया गया था जो क्या थे, आपके इग्नो इंडियन थे, अर्ध भारतीय प्रवासी थे, ठीक है। इंदौर में किया गया था, इंदौर में चीफ गेस्ट कौन आए थे, गोवाना के राष्ट्रपति थे, तो चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे, चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे तो बताओ बेटा, गोवाना के राष्ट्रपति थे, उनका नाम बताओ, जल्दी बोलो बेटा कौन आए थे। और अभी हमने किसी दिन बताया था, तुम लोग बिल्कुल याद नहीं करते, तो गलत बात है बेटा ये, नहीं इरफान अली, ठीक है, बताए थे गोवाना के राष्ट्रपति आए थे। तो भारत छोड़ो जो नारा दिया था वो किसने दिया था, तो आपको कहोगे बेटा महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है बेटा, किसी कोई दिक्कत। अब भारत छोड़ो अगर आपको याद आ रहा हो, पूछेगा कि कब दिया गया था, कौन सी सिचुएशन पे दिया गया था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी समय क्या दिया था बेटा, गांधी जी ने दिया था। लेकिन ये गांधी जी ने नहीं दिया था, मेरी बात सुना ध्यान से, ये गांधी जी की वजह से प्रसिद्ध हुआ था,
जैसे मैं कोई चीज़ लिख दूँ और आप उसका तकिया कलाम बना दो, तो वो आपके रूप में फेमस तो हो गया लेकिन वो दिया किसी और ने था। जैसे भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, तो इंकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह की वजह से प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन वो लिखा किसने था? हसरत मोहानी ने। किसने लिखा था? हसरत मोहानी ने। ऐसे ही अब ये चीज़ें हमें डिटेल नहीं पता होती हैं तो हम लोग फंस जाते हैं। तो ये नारा जो प्रसिद्ध हुआ था वो गांधी जी की वजह से हुआ था, बट लिखा किसी और ने था, दिया किसी और ने था। तो बेटा ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था, और ये किसकी वजह से प्रसिद्ध हो गया था? महात्मा गांधी की वजह से हो गया था, लेकिन इसे दिया किसने था, लिखा किसने था, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये आपको आज तक नहीं पता होगी। बोलो पता है हाँ या ना, कितने लोगों को पता है? ये तो पता है भारत छोड़ो आंदोलन वो गांधी जी की वजह से प्रसिद्ध हुआ, तो हम लोग ये कहने लगे गांधी जी ने दिया, गांधी जी ने दिया, लेकिन गांधी जी ने नहीं दिया था इसे, तो दिया किसने था? देखो यूसुफ मेहर अली ने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने, यूसुफ मेहर अली ने इस नारे को दिया था, लेकिन गांधी जी की वजह से ये नारा क्या हुआ था बेटा? प्रसिद्ध। तो भारत छोड़ो आंदोलन समझ में आ गया 1942 में, उसके समय जो क्रांतिकारी थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ रहे थे उनको मोटिवेट करने के लिए क्या हुआ? क्लियर ज़्यादा आ रही है पक्का? सही है। तो यूसुफ किसने दिया था बेटा? मेहर अली ने दिया था, सही है। तो 1942 में कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, तो नारा दिया था किसने? यूसुफ मेहर। अब देखिए अब बच्चा कन्फ्यूज होगा, सर आपने तो कन्फ्यूज कर दिया, अभी तक तो हम महात्मा गांधी पढ़ते थे, आपके ऑप्शन में महात्मा गांधी है तो आप भारत छोड़ो आंदोलन उनकी वजह से प्रसिद्ध हुआ तो महात्मा गांधी को ही लगाया जाता है, लेकिन अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है वो सीधे कह दे जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो नारा किसने दिया, तो आप कह दोगे किसको? महात्मा गांधी। लेकिन मान लो अगर गांधी जी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको यही लगाना पड़ेगा यूसुफ मेहर अली ने, गांधी जी, गांधी जी, गांधी प्रसिद्ध होता ना, प्रसिद्धि के लिए वही लगाए जाते हैं, हाँ तो वो भी उसी में होता है, हाँ कन्फ्यूज करने के लिए होता ही है। तो ध्यान रखना ये किसने दिया था आपको याद रखना है। अब आता है बेटा तीसरा वाला, यहाँ तक दिखाई दे रहा है बाल को? हाँ हम नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है बेटा, तो ये आप याद रखेंगे। अगला आता है तीसरा बेटा, जय हिंद। जय हिंद किसने दिया था? मनीष, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आप वो सुभाष चंद्र और पहली यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति कौन थे और पहली बार शामिल होने वाले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अच्छा तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आप किसे बताओगे बेटा? सुभाष चंद्र बोस। जब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर ये जय हिंद का नारा दिया गया था, इसके समय लगभग, हाँ ये ऐसे मान लो, हाँ जब आज़ाद हिंद का फौज का गठन हुआ, आज़ाद हिंद फौज का क्या हुआ बेटा? गठन हुआ, तो उसके बाद ये कहा गया कि जो सीनियर वगैरह हैं उनको अभिवादन करने के लिए हम क्या करें, है ना भाई? तो उस समय पर सुभाष चंद्र बोस की वजह से ये प्रसिद्ध हो गया था जय हिंद, लेकिन वो लिखा किसी और ने था, मतलब राइटिंग किसी और ने की थी कि ये वाला नारा इस्तेमाल करा जाएगा। तो जैसे आज भी आप लोग पुलिस वगैरह में जय हिंद ही बोलते हैं, तो ये आज़ाद हिंद फौज से चला रहा है भाई, जैसे मान लो सीनियर जूनियर हैं तो कैसे सम्मानित करेंगे, सही है? तो वो जय हिंद से ही करते थे, किसे करते बेटा? जय हिंद। तो जय हिंद का नारा हुआ प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस की वजह से, लेकिन दिया किसी और ने दिया था जब आज़ाद हिंद फौज की गठन हुआ था उस टाइम पर। तो फिर बेटा अगर पूछा जाए कि किसने, नहीं उसने तो इन्हें नेता कहा था खाली, बस सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाएंगे बेटा, सुभाष चंद्र बोस पढ़ाएंगे अब तो उसी में पढ़ाएंगे साथ में, सही है? अभी इसलिए नहीं पढ़ाई थी, हाँ वही पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के वजह से प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। तो उनके जो सैनिक वगैरह हैं या जो लोग जुड़ेंगे सीनियर और जूनियर, उनमें कैसे अभिवादन करेंगे एक दूसरे के लिए, तो इसके लिए बड़ा कन्फ्यूज हो रहे थे। तो उसी टाइम एक नाम निकल गया था आबिद हसन सफरानी, आबिद
यहाँ तक बेटा आ रहा है, जरा एक बार चेक कर लेना, देख लियो बेटा आ रहा नीचे तक। अरे आबिद हसन, हसन सफरानी, इन्होंने दिया था जय हिंद का, मतलब लिखा इन्होंने था, प्रसिद्ध हुआ था सुभाष चंद्र बोस की वजह से। सही है, क्या हुआ? ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो जय हिंद का नारा है उसे कब अपनाया गया था, तो 2 नवंबर 1941 को अपना लिया गया था, 2 नवंबर 1941 को उसको अपना लिया था। तो जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस जो दिया था, जो लिखा था, वो आबिद हसन सफरानी ने लिखा था इसे। ये अंदर वाली चीज़ें होती हैं, जब भी आपको डीप क्वेश्चन मारता है ना तो वो घुमा के रख देता है, फिर आप कंफ्यूज जाते हो। ठीक है, नॉर्मल मारेगा तो सुभाष चंद्र बोस, डीप जाओगे सुभाष चंद्र बोस को हटा देगा, इधर मार देगा। सही है, तो ये वाला आपको ध्यान रखना होगा। अगला बेटा आता है वंदे मातरम, कि वंदे मातरम का जो नारा था वो किसने दिया था। तो मैं ये वाला रफ कर दूं बेटा, किसी को स्क्रीन शॉट लेना तो ले लो। चले अगला आता है वंदे मातरम, सबने सुना होगा खूब वंदे मातरम, बताओ। बहुत बढ़िया, यही वंदे मातरम बाद में क्या बन गया था बेटा, राष्ट्र गीत। सही है बेटा, कितने कितना हो गया, तीन हो गया, तीन। चौथा वंदे मातरम, ठीक है बेटा। अब वंदे मातरम का जो नाम आएगा तो फिर किसका नाम आना चाहिए, सही है। बाद में यही क्या बन गया था बेटा, राष्ट्रीय, तो ये नारा दिया था। सही है, ये सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कहाँ पर इसको प्रस्तुत किया गया था, तो 1905 में कांग्रेस के कार्यकारिणी में किया गया था। ये कब प्रयोग किया गया था, तो लिखो 1905 में कांग्रेस के कार्यकारिणी में, किसमें किया गया था बेटा, 1905 कांग्रेस के कार्यकारिणी में किया गया था। कितनों को बात समझ में आ गई है, बाद में ये क्या बन गया था अपना, राष्ट्रीय गीत बन गया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान किसने दिया अगर पूछा जाएगा, तो पांचवा आता है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान किसने दिया था अगर पूछा जाएगा, तो काफ़ी प्रसिद्ध नाम रहता है, लाल बहादुर शास्त्री। कब, 1965 के युद्ध के समय, ठीक है, भारत तो उसमें प्रोत्साहित करने के लिए ये नारा दिया गया था। तो लिख लो लाल बहादुर शास्त्री, कौन थे लाल बहादुर शास्त्री, और गांधी जी के जो जो फूल खिले थे वो कौन थे, महात्मा गांधी, और इनका वो होता ना 2 अक्टूबर को ही होता है, हैप्पी बर्थडे, हाँ, दो फूल खिले थे और दोनों फूल क्या हो गए, मुरझा गए अब इस टाइम पर। सही है, तो जय जवान जय किसान का नारा अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं किस टाइम दिया गया था, तो 1965 के समय दिया था, जब 1965 का युद्ध हुआ था। युद्ध किस किस के बीच हुआ, सभी को पता है, चाइना वर्सेस इंडिया के बीच हुआ था। सही है, अगला बेटा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, कौन सा आएगा अगला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो अगला आता है नारा कौन सा आएगा, छठा नंबर है, पांचवा, छठा, स्वराज, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे हम लेकर रहेंगे। ठीक है बेटा, ये था नारा,
अब ये भी आपने खूब सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध रहा था, तो ये किसने दिया था? स्वराज, लोकमान्य तिलक। और बेटा इन्होंने जो दिया था वो मराठी भाषा में दिया था, इसे बाद में से हिंदी में कन्वर्ट किया गया था। लोकमान्य तिलक ने दिया था, सही है ना? और कौन सी भाषा में दिया था, अगर भाषा पूछेगा तो मराठी में दिया था, सही है? किस समय दिया था? जब आपकी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर दिया था। 1920 से 30 के बीच में दिया, स्वतंत्रता आंदोलन के समय दिया था। इतना एक्यूरेट नहीं पूछता, बस आपको नॉर्मल पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है? बोलो क्लियर है? अगला बेटा आता है करो या मरो, करो या मरो। तो अगला आता है बेटा करो या मरो, सही है? या तो करो या मरो, मतलब जिंदगी इसके अलावा तुम्हारी है नहीं। जैसे आपने देखा होगा जिनकी फोर्स में ओवरएज हो रही है और उनका लास्ट टर्न होता है, जैसे पुलिस में हो गया, किसी में हो गया, मतलब लास्ट ही बार है, उन्हें खूब पता है अगली बार हम नहीं डाल पाएंगे, तो उनकी स्थिति कैसी होती है बेटा? करो या मरो वाली होती है। या तो पूरी दम लगा दो इसी में और या फिर जीवन तुम्हारा बेकार है, ठीक है? तो किसने कहा था ये? महात्मा गांधी। ये काम महात्मा गांधी बहुत अच्छे करते थे। तो ये 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय में जब भाषण दे रहे थे उस टाइम पे इन्होंने ये नारा दिया था। तो लिख लो बेटा 8 अगस्त 1942 को जब ये नारा दे रहे थे, सॉरी भाषण दे रहे थे, उसमें दिया था हमने। और 1942 में क्या चल रहा था बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या चल रहा था बच्चे? भारत छोड़ो आंदोलन। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? आराम हराम है किसका नारा किसने दिया? आराम हराम है, तो आप किसे बताओगे? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, बहुत बढ़िया। और भारत छोड़ो आंदोलन? गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन? जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। करो या मरो, अच्छा, जो आराम हराम है वो उन परिस्थितियों में दिया गया था कि जब अंग्रेज जो थे वो क्या थे बेटा? पूरी तरह हावी थे। और जवाहरलाल नेहरू कहने का मतलब क्या था कि जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, कठोर परिश्रम नहीं करोगे, तब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो नारा गांधी जी की वजह से प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन वो दिया किसने था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। जय हिंद का नारा प्रसिद्ध हुआ था सुभाष चंद्र बोस की वजह से, लेकिन उसे देने वाले कौन थे? आविद खान शफरानी। कौन थे? बहुत बढ़िया, आगे चलो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बोलो किसने दिया था? हैं, राम प्रसाद मिश्मिल। सही है ना? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये नारा दिया था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने, काकोरी कांड समझता। हाँ चलिए बेटा लिख लेते हैं इसको भी, फिर इसको रफ कर देते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, चलिए तो इसको भी नोट कर लो फटाफट जल्दी जल्दी। सरफरोशी, सरफरोशी की तमन्ना भाटिया, हमारे दिल में तमन्ना भाटिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है, दिल में है, दिल में, सही बेटा किस में है बेटा? दिल में है।
तो ये किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल है, बिस्मिल लखानी है। बिस्मिल, तो ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट रहता है ये भी। अगला आता है, कौन से हो गए बेटा? आठ हो गए होंगे। देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, ये तो सबको याद होगा। आठवां नवा, ये आठवां था। बोलो भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो तो बाल भारती भी लिख के आता था पूरे पीछे, राष्ट्रीय बाल भारती, पढ़िए। हाँ, उसके पीछे लिखा होता है बाल भारती ने, क्यों? तो अब तो बंद हो गई, तो फिर जब खराब कर दिया वो तो बंद हो जानी चाहिए थी, उसका सलूशन दे देते थे बस। इनके नज़र गलत है, नज़रें अपनी अपनी हैं। देखो, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है बेटा, सुभाष चंद्र बोस एक भाषण दे रहे थे रंगून के, जहाँ पर दिया था उन्होंने, रंगून जानते हो बेटा, जुबाली हॉल, सही बेटा, वहाँ पर भाषण दे रहे थे, वहाँ पर इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा। तो पूछ सकता है कहाँ दिया था उन्होंने, तो रंगून के एक जुबाली क्या था बेटा, हॉल था, वहाँ पर भाषण देते हुए इन्होंने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, आ जाए दे दूंगा, है ना। अब ऐसे नहीं दो तीन बोतल निकाल लो, उन्होंने कहा लड़ो खून बहेगा, सही बोलो, हाँ या ना। इसलिए कहा गया कि मर्द का खून औरत के आंसू देखकर कभी भी पिघलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनके गहने हैं। औरत रोएगी नहीं तो औरत नहीं लगेगी, और आदमी जब तक खून से लथपथ नहीं होगा तब तक वो मर्द नहीं कहलाता, और मर्द को कभी मान टंडो। चले बता, आगे समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये याद रखना, रंगून के जुबाली हॉल में इन्होंने भाषण देते हुए इस वाक्य को, इस नारे को कहा था, और ये काफी प्रसिद्ध भी रहा था। ठीक है, अगला आता है, वेदों की ओर लौटो, कौन सा नंबर आ गया? 10। हाँ, वेदों की ओर लौटो, और लौटो, तो किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? उन्होंने कहा कि वेदों से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो वेदों की तरफ क्या करो बेटा, लौटो। तो वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला बेटा, नहीं किसी के द्वारा दी जाती है उपाधि, अपने आप क्या लगाओ तुम्हें, अब तो बंद हो गई उपाधि, किसी को दी नहीं जाती, कोई उपाधि मतलब नहीं, अब तो आप वो क्या नाम है वो डॉक्टर क्वालिफिकेशन लगा सकते हो, PhD वगैरह आपने कर ली तो आपका डॉक्टर जाता है, डॉक्टर चंद्रसेन पाल, सही है। हाँ, नीड वगैरह कर ले तो तब वो डॉक्टर वगैरह लगता है। आगे देखो बेटा, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? ये दिया था बेटा जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1930 को जब लाहौर के राबी नदी पर ये क्या कर रहे थे बेटा, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों से ही छुटकारा मिल जाए,
ऐसा करो हमारे यहाँ जो राजा महाराजा है ना, इनसे भी हमें क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि पूर्ण स्वराज की मांग करो। तो अगर पूर्ण स्वराज की अगर बात करी जाएगी तो आप ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज का मतलब हो ना हमें अंग्रेज चाहिए और ना हमें जो राजा वगैरह थे उन्हें वो चाहिए, ठीक है। तो उसे पूर्ण स्वराज कहते हैं। तो इनका मतलब यही था, ठीक है। तो लिख लो 31 दिसंबर 1929, ठीक है बेटा, रावी नदी के तट पर। और रावी नदी कहाँ पड़ती है बेटा? लाहौर। कहते हैं स्वागत करो, दामाद है, अगली बार दहेज में लाहौर ना ले जाए कहीं। देखी मूवी नहीं? चले, तो रावी नदी बेटा लाहौर, वहाँ पर ये भाषण देते हुए इन्होंने ये बात कही थी। और स्वराज का मतलब होता है क्या, आप समझ गए होंगे कि सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा नहीं लेना है, सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा नहीं लेना है, हमें राजाओं और महाराजाओं से भी क्या करना है बेटा, महाराजाओं से भी क्या करना है बेटा, छुटकारा लेना है। दोनों मंत्र होता है बेटा। महाराजा मतलब होता है कई राज का, जैसे बाहुबली मूवी देखिए, बाहुबली मूवी देखिए, तो जो बाहुबली होता है वो महाराजा होता है, और जो उसके राज्य में जहाँ वो जाता है लड़की पटाने के लिए, क्या नाम था उसका, देवसेना, तो वो राज्य होता है, सही है, तो वहाँ राजा होता है, वो छोटे राज्य होते हैं, सही है। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री महाराजा है, और जो सीएम वगैरह हैं वो सब राजा हैं। नहीं बात समझ में आई? आगे समझ में। तो देवसेना का नाम सुनते हो, नाक पे गुस्सा रहता था उसके हमेशा, किससे, बाहुबली से प्यार करती थी, बल्लाल देव से करने लगी, करने होती मतलब क्या, उसने मना ही कर दिया था, बोले छत्री नहीं है, क्या उसने क्या कहते हैं लकड़ी वो बाहुबली ने करवाई उससे, हाँ तभी करने लगी, उसका मित्र था। चलो देखिए इसके मतलब, बाहुबली मूवी से बच्चों को एग्जाम्पल समझ में आते हैं, वरना जब भी महाराजा राजा है हमें डुबो देते हैं कहीं, सही है। चलो बेटा, तो ये ध्यान रखना, ये आपको रखना है स्वराज, पूर्ण स्वराज। अगला देखो बेटा, वेदों की ओर लौटो कौन था, स्वामी दयानंद सरस्वती। इंकलाब, ठीक है। तो किसने दिया था, सबको पढ़ा चुके हैं कई बार हम, कौन से नंबर का है बेटा, ये 12 नंबर है। इंकलाब क्या दिया, दिया अच्छा, हाँ वो लगाया था, जी का लगाया था, इंकलाब जिंदा। ये प्रसिद्ध किसकी वजह से हुआ था बेटा, बोलो, भगत सिंह की वजह से। सुभाष चंद्र बोल कौन बोल रहा था, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, मैं नास्तिक। इन्हें फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1900, किन किन को दी गई थी, बहुत बड़े जनरल सैंडरसन को किसने मारा था, असेंबली में बंक किसने फेंका था, सही है। और उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेजों के कान खोलने का यही तरीका है, कान खोलने का यही तरीका। और हंसते हंसते क्या चढ़ गए, कितने साल की उम्र थी इनकी, हैं 16 साल वाला कौन है, 23 साल, 23 वर्ष, 23 साल थे, 23-24 साल के थे, हाँ। और 23-24 साल में आप क्या करते हो, कोई तुमसे कहे कि अपनी जान दे दो, दे दोगे, तुम यहाँ पर ना बाबू सोना बना रहे होते हो, मेरा बाबू कहाँ है, सोना कहाँ है, अले अले अले, दूध पिया नहीं पिया, ए पीछे क्या चल रहा है, इधर जान दो सुभाष, ये तो वही वाला हाल हो गया कि जिस जिस उम्र में रिश्ते देखने चाहिए उस इसमें सेंटर देख रहे हैं, पेपरों का सेंटर देख रहे हैं। पहले ये होता था, शादी हो जाती थी पहले, तो हमें वैसे कोई टेंशन नहीं रहती थी कि पढ़ाएं ये करें वो करें, तो आराम से पढ़ाई पे ध्यान देते हैं अपने काम पे। और अब क्या है, पहले लड़कियों पर ध्यान देते हैं, ठीक है, उसके बाद छोड़ जाते हैं। सब्र जानते हो सब्र क्या होता है, इच्छा। बुद्ध ने क्या कहा, सब दुखों का कारण, जिनकी बेटा शादियां हो गई वो कौन से चैन बैठे हैं, वो तलाकें लेते हैं, फिर कह रहे वो हमें तो कोई और पसंद आ गया, हम तो कहीं और रहेंगे। चाचर बालक की माँ भाग जाती है,
तो अब कहाँ रह गया बताओ आप? पहले पहले वो लोग रिश्ते निभाते थे, आज के लोग रिश्ते नहीं निभाते हैं। ज़्यादा बेटर मिल गया तो मैं छोड़ देंगे, तो ये मत सोचो कि तुम्हारी शादी होगी तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ही रहेगी। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि शादी तुम्हारी होगी पत्नी तुम्हारी ही रहेगी। तो ये बिल्कुल तैयार रहो, बेहतर से बेहतर की तलाश मिले करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए पत्थर तो शीशे की तलाश करो, सही है? बेटा नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। लिखा किसने था? हसरत मोहानी ने। सबको याद है किसने लिखा था बेटा? हसरत मोहानी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने क्या किया था? असेंबली में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने क्या करा था बेटा? असेंबली में बम फेंका था, याद है? बहुत बढ़िया। अगला चलिए, साइमन कमीशन, वापस जाओ। अगला कौन आएगा? साइमन कमीशन, वापस जाओ। साइमन कमीशन, वापस जाओ। ठीक है बेटा, ये सबको पता है किसने दिया था? अरे चचा ने दिया था, लाला लाजपत। किसने उनकी पिटाई कर दी थी? किसने कर दी थी? सैंडरसन ने। किसने? सैंडरसन ने। तो लिख लो बेटा, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत, सही बेटा। किसने लाठी चार्ज चलवाई थी इन पर? अभी 10 बजे कर देंगे। देखो बेटा, तो लाला लाजपत राय है ना, इन पर लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था? तो आप हो गए सैंडरसन या सैंडर्स ने, सही है? तीन फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुंच गया था? भारत। लाठी कब लगी थी इनको, लाला लाजपत राय को? तो 30 अक्टूबर 1928, को इनको क्या लग गई थी बेटा? लाठी से क्या हुए ये? घायल हुए, घायल परिंदा हूँ गाना गा रहे थे, सही है? और डेथ कब हो गई? मृत्यु 17 नवंबर 1928 को, सही है? और बाद में भगत सिंह ने किसको मार दिया जाके? सैंडरसन को। बोले चचा को मारेगा? चचा को, भतीजा भी जिंदा है। नेक्स्ट, अगला आता है बेटा आपका, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बढ़िया। कौन बालक है जैसा, इतना विद्वान कहां से आ गए तुम? इंदिरा गांधी समझ गया था। है चुप जा। सारे जहां से अच्छा अरे विद्वान, कौन सा कहानी सुनाया पूरा बालकों को? जी बेटा, इससे पहले दिया जा चुका था, उन्होंने तो वहाँ रिपीट किया था खाली, बस सही है? ऊट पटाख शिक्षा ना दिया करो बालकों को। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा या हिंदुस्तान हमारा 1905 में दिया गया था, ये इकबाल द्वारा, मोहम्मद इकबाल द्वारा, ठीक है? इसे रिपीट किया गया था उस टाइम पर, इकबाल, सही है? जब वो उनने पूछा था इंदिरा गांधी, तब उनने कहा था, यही चीज़ रिपीट की थी, सही है? हाँ, क्लियर है? सारे जहाँ से अच्छा, इससे पहले हो चुका था 1905, और कहाँ राकेश शर्मा, ठीक है? कितना डिफरेंस है? हाँ,
देखो दिल्ली चलो, आओ दिल्ली ले चले तुम्हें, दिल्ली चलो। सही बेटा, कौन आएगा? दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था बेटा? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ दिया था उन्होंने ये दिल्ली चलो? कहाँ से मतलब? तो लिखो 5 जुलाई 1943 सिंगापुर से। 5 जुलाई कहाँ से दिया था बेटा? सिंगापुर से। कहाँ से दिया था बेटा? सिंगापुर से दिया था दिल्ली चलो। सिंगापुर के टाउन हॉल से दिया था, टाउन हॉल, टाउन हॉल, ये याद रखना है। अगला लिखो बेटा, अब कुछ डायरेक्ट वाले लिखवा देते हैं, सीधे सीधे नाम ये रफर दें, फटाफट लिखो। पहला लिखो हे राम, किसने बोला था ये? गांधी जी के क्या थे बेटा? अंतिम था, हाँ लिखो हे राम, हे राम, हम इस दुखों भरी संसार से आपके धाम को आ रहे हैं। तो ये किसने कहा था? महात्मा। किसने गोली मार दी थी बोलो? गोली किसने मार दी? गोडसे ने। जय जगत, जी बेटा गोलून दिया था, लिख लिया बेटा। विनोबा भावे, ठीक है, जय जगत, विनोबा भावे। तुम गाल देखते रहते हो लोगों के हैं। अगला बेटा हिंदी, ठीक है, हिंदी, हिंद, हाँ हिंदी, हिंदू, कल पढ़ा है, ऐसा ही कुछ है, हिंदू है, हिंदुस्तान, मतलब सब चीज़ में, हाँ हाँ सर ये मैंने कल ही पढ़ा है तो बताओ, अच्छा ध्यान नहीं तो। देखो भारतेंदु हरिश्चंद, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद दिया था ये। देखो मारो, मारो फिरंगियों को, कौन आएगा? मारो फिरंगियों, पक्का? मंगल पांडे सभी जानते हैं। अगला आता है बेटा कश्मीर चलो, कश्मीर चलो, क्या कहा आपका? कश्मीर चलो, मुरली मनोहर जोशी। मनोहर जोशी, ठीक है बेटा, ये याद रखना है यहाँ तक। ठीक है बेटा आगे चलो, जनगण मन, सबको पता होगा ये। कौन है ये महात्मा गांधी वाला? रविंद्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर। अगला आता है बेटा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, बताओ बेटा। श्याम लाल गुप्ता, श्याम
लाल गुप्ता, ठीक है बेटा, कौन आएगा? श्याम लाल गुप्ता, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति लिखो बेटा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति, देख लिया। अगला देखो, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय किसान जय विज्ञान जय जवान जय विज्ञान लिख दिया बेटा पहले ही। किसने दिया था ये? देखो अटल बिहारी वाजपेयी ने। हाँ, किसने दिया था बेटा? अटल बिहारी वाजपेयी ने। वो मूवी देखी है तुमने? वो परमाणु, परमाणु थी कौन सी थी जो वो किया था पोखर में, परमाणु वो किया था उसी टाइम पे दिया था उन्होंने ये, सही है? परमाणु पोखर मूवी भी आई हुई इसकी, जॉन अब्राहम की, क्या नाम था उसका? अरे नहीं, सिंगम टू पीछे बढ़ रहे थे उसी टाइम बेटा ये दिया गया था, ठीक है। देश बचाओ देश बनाओ, देश बचाओ देश बनाओ, देश बचाओ देश बचाओ देश बनाओ, ठीक है बेटा। तो ये किसने दिया था अगर आपसे पूछता है? नरसिम्हा राव ने। नरसिम्हा राव, ठीक है बेटा। तो ये आपके क्या थे? नारे थे, जो मैन मैन नारे थे, हमने उनका एक्सप्लेन कर दिया था। कल हम लोग मिलेंगे सुभाष चंद्र बोस के जीवनी के साथ, ठीक है। तो आज इतने रखेंगे सभी लोगों को, अगला टॉपिक कल कराएंगे, क्योंकि आज हो भी नहीं पाएगा सुभाष चंद्र बोस पूरा, ठीक है।